फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी रसोई। स्वागत है आप सबका। और आज की हमारी रेसिपी है पपाया की स्मूदी, पपाया स्मूदी। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए, यहाँ मैंने पपाया के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और थोड़े से एक चम्मच मैंने सब्ज़ा के सीड्स लिए हैं। ये आपको इजीली मिल जाएंगे, ये फालूदा सीड्स के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और हनी लिया है मैंने, और एक कटोरी मैंने दही लिया है। तो दही हमें 3 से 4 चम्मच ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, और फ्रेश दही चाहिए हमें। तो ये इसमें मैंने देखिए थोड़ा पानी डाला है, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करता है, तो हमें ज़्यादा पानी और मिलाना चाहिए इसमें। बिल्कुल ये साइज़ में डबल हो जाते हैं फूल के। तो धीरे धीरे मैंने मिलाते हुए और पानी इसमें ऐड किया है। और पपाया फ्रेंड्स डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें विटामिन डी एंड विटामिन सी ए सभी होते हैं। और जब भी आपका हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने का मन हो, हैवी खाने का मन नहीं हो, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये पूरे दिन आपको फुल रखेगा, लंच तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी आपको। तो इसे आप कभी कभी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पपाया को मिक्सी के जार में डाल दिया है, साथ ही इसमें हमने दही ऐड किया है, और इसमें हमने कोई शुगर ऐड नहीं किया, हनी ही डालेंगे इसमें। आपको अगर सॉल्टी चाहिए स्मूदी तो आप काला नमक भी डाल सकते हैं हनी की जगह पे, तो आपका स्मूदी सॉल्टी बन जाएगा। और ये सब्जा के सीड्स हमारे स्किन के लिए भी अच्छे हैं, और वेट लॉस के लिए तो पपाया भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो फालूदा सीड्स हैं वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए भी। तो ये बहुत ही हेल्दी एंड रिच स्मूदी बनने वाला है। ये देखिए, ये बहुत ही गाढ़ा सा स्मूदी तैयार है। तो आप इससे भी अगर इसको पतला चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें आइस डाल सकते हैं या ठंडा पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइस का यूज़ नहीं किया है, दही हमारी ठंडी है उसी को मैंने डाला है। आजकल ठंडी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं सभी लोग, तो हमने दही ठंडा लिया है, आइस नहीं डाली इसमें। तो ये देखिए, टेक्सचर भी इसका बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखने में भी और पीने में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है, यमी है। आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, ये हेल्दी है और साथ ही साथ आपको लंच तक फुल रखेगा। या फिर आपने लंच में लिया है तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।